नमस्कार दोस्तों, टीचर कैप्सूल चैनल पर आए हुए सभी छात्र छात्राओं का मैं मोहन सोनी हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर मैं आप सभी लोगों के लिए खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में पूछे जाने हैं, ऐसे मैं 1000 प्रश्नों का संग्रह आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ये इस संग्रह का आपका भाग एक है, पहला वीडियो है। तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी बीओ के एग्जाम, खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा सीरीज, पूरी की पूरी श्रृंखला को एक बार जरूर देखें। चलिए, समय बहुत कीमती है, हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। साथियों, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से विश्वास दिलाता हूँ, ये आपके पूरे UPPSC पैटर्न पर है, ठीक है, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा। यूपी जो आपका बीयू है यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के जो आपका एग्जाम हो रहा है, ये आपका कौन करा रहा है, आपका ये आपका UPPSC के अंडर में दिया गया है, ठीक है साथियों। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा पेन ले लेते हैं, कहां गया ये आ गया। चलिए, ये आपका पेन आ गया। किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, 1773, दूसरा है आपका 1774, तीसरा है आपका 1775 और चौथा ऑप्शन है वो आपका 1784। तो दोस्तों, एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित हुआ था जिसके माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और वो की गई थी आपकी 1774 में, ना 1774 में, यानी कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, उसके ठीक एक साल के बाद कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी, 1774। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यवसाय को अंशतः व पूर्णतः, है ना, समाप्त कर दिया गया, ठीक है, यानी कि अंशतः और पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो पहला है आपका 1813 व 1833 का चार्टर अधिनियम, दूसरा है आपका 1833 व 1853 का चार्टर अधिनियम, तीसरा ऑप्शन रहा आपका 1858 व 1919 का भारत शासन अधिनियम, और लास्ट ऑप्शन आपका 1861 व 1892 का भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1813 और 1833, यानी कि जो अंशतः जो खत्म हुआ था वो हुआ था आपका 1813 में। 1813 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है वो अंशतः खत्म हो गया था, और जो पूर्णतः जो खत्म हुआ था वो हुआ था आपका 1833 में, है ना, यानी कि 20 साल के बाद सबसे पहले अंशतः खत्म हुआ, उसमें जब आप लोग 20 साल जोड़ देंगे यानी कि 20 साल के बाद फिर ये आपका 1830 में ये पूर्णतः खत्म कर दिया गया कंपनी का एकाधिकार, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, मैं आपको विश्वास दिला दूं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी बीयू के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग ये पूरी श्रृंखला आप लोगों के साथ में 10 वीडियो की श्रृंखला आपके आपके लिए प्रस्तुत होगी, तो आप लोग पूरे के पूरे वीडियो को एक एक करके देखेंगे। ये आपका इस श्रृंखला का पहला वीडियो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? समझ रहे, जो प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था वो उसके अध्यक्ष कौन थे? पहला आपका हेस्टिंग, दूसरा आपका कॉर्नवालिस, तीसरा आपका लॉर्ड मिंटो और चौथा आपका लॉर्ड मैकाले। तो दोस्तों, जो लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। पहला तो ये हो गया, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मैकाले। ऐसा भी आ सकता है कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश को जारी करने की शक्ति प्राप्त शक्ति प्रेरित है, ना, एक बार फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? ऐसा कौन सा अधिनियम है? पहला आपका भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा आपका भारत शासन अधिनियम 1919 और तीसरा आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और चौथा आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसी अधिनियम से प्रेरित होकर राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति पाता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति मिली है वो आपकी 1935 के अधिनियम से प्रेरित है,
तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए 1935। मैं आपको बता दूं 1935 जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, इससे बहुत ज्यादा हिस्सा संविधान में लिया गया है, यानी कि संविधान का बहुत ज्यादा जो पार्ट है वो आपका 1935 के अधिनियम से अडॉप्ट किया गया है। ठीक है साथियों, इसलिए ये संविधान के निर्माण में 1935 का अधिनियम अपनी अहम भूमिका को अदा करता है। इसका बहुत महत्वपूर्ण 1935 अधिनियम का संविधान के निर्माण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत है ना, का समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई। यानी कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिस अधिनियम के माध्यम से जो पहले सरकारी सेवाओं में क्या था कि नामजदगी, किसी का नाम ले दिया गया कि हाँ इनका सिलेक्शन कर लो तो इनका सिलेक्शन हो गया, उसने बोल दिया कि इसका सिलेक्शन कर लो तो इनका सिलेक्शन हो गया। ये जो सिद्धांत था, ये जो परंपरा थी, इस परंपरा को समाप्त करके प्रतियोगी परीक्षा, एक एग्जाम होने लगा ना, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को भरे जाने लगा। तो वो कौन सा अधिनियम था? पहला आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा आपका 1813 का चार्टर अधिनियम, और तीसरा ऑप्शन है आपका 1853 का चार्टर अधिनियम, और चौथा ऑप्शन आ रहा आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हुआ वो होगा आपका 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनियों में के जो महत्वपूर्ण पद थे वो नामजदगी से समाप्त कर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरे जाने लगे। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? ठीक है दोस्तों, जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के माध्यम से माना जाता है? पहला आपका 1813 का चार्टर अधिनियम, दूसरा आपका 1833 का चार्टर अधिनियम, तीसरा आपका 1853 का चार्टर अधिनियम, और लास्ट ऑप्शन जो आपका रहा वो है आपका 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का स्टार्टिंग की गई। तो करेक्ट आंसर रहा आपका ऑप्शन नंबर डी 1892। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, समझ रहे, भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई किस अधिनियम के माध्यम से? पहला है आपका 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, दूसरा रहा ऑप्शन 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, तीसरा ऑप्शन आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, और अंतिम ऑप्शन रहा आपका 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर रहा वो है आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीय विधायिका को पहली बार द्विसदनीय विधायिका बनाया गया। ठीक है साथियों, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1919 का भारत शासन अधिनियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए आपका यूपीपीसीएस के मेंस के एग्जाम में 2008 में पूछा गया है, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस का जो पैटर्न है उसी के आधार पर ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर मैंने एकत्रित किए हैं। तो आप लोग प्लीज मन से आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन को देखना, आप लोग खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और इस एग्जाम को जो कंडक्ट करवा रहा है वो आपका यूपीपीएससी ही करवा रहा है। ये कभी मत सोचना कि कोई बीयू का स्पेशल यहाँ पर पेपर सेटर करने वाला आएगा या कोई एग्जामिनर स्पेशली यहाँ से बुलाया जाएगा बीयू ऐसे खंड शिक्षा अधिकारी का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो व्यक्ति जिस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे एग्जाम सेटर उसके पर्सनल रहते हैं और वो उसी के आधार पर जिस तरह से अभी तक फॉलो करता चला आया वो अपने सिलेबस को, उसी सिलेबस को आपके बीईओ के एग्जाम में भी फॉलो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज यूपीपीएससी में जो भी आपके पहले क्वेश्चन आ चुके हैं बैक ईयर के क्वेश्चन, उन सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत मन से देखेंगे। चलिए एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे, पहला आपका वी एन राव, दूसरा आपका वी आर अम्बेडकर, तीसरा आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और चौथा ऑप्शन रहा आपका तेज बहादुर सप्रू। तो दोस्तों जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? ठीक है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए। ये बहुत बार पूछा जाता है कि
केंद्रीय विधान केंद्रीय परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के माध्यम से की गई? पहला ऑप्शन आपका 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा, दूसरा आपका 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, तीसरा ऑप्शन 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा और अंतिम ऑप्शन आपका 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा केंद्रीय परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक। एक बार फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया, यहाँ पर आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा छोटा लग रहा होगा क्वेश्चन, बड़ा कर लेते हैं इसको। चलिए ये बड़ा हो गया सारे क्वेश्चन। हाँ चलिए, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कहलाते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन कहलाते हैं? पहला आपका मैकाले, दूसरा आपका हेस्टिंग, तीसरा आपका लॉर्ड मिंटो और चौथा ऑप्शन आपका लियोनेस कॉर्टेस। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लियोनेल कॉर्टेस। लियोनेल कॉर्टेस ये आपके प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहा। अंतिम और लास्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका नियंत्रक, ये साइड ये सूची फर्स्ट दी गई, इस साइड सूची सेकंड दी गई है। तो ये और ये है आपका नियंत्रक परिषद की स्थापना, है ना, और इस साइड सर्वोच्च न्यायालय स्थापना, ये दिए गए हैं। तो इसमें हम लोगों को मिलान करना है, तो जो मिलान इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले तो आंसर देख लेते एक बार। करेक्ट आंसर रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का, वो आपका बी। क्या आपका बी करेक्ट आंसर है आपका बी। यहाँ पर अगर मिलान करते हैं तो नियंत्रक परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी कब हुई थी? वो हुई थी आपकी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 तहत। इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और इसके बाद देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा। ठीक है, 1773 के द्वारा रेगुलेटिंग अधिनियम, ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसके बाद इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की शक्ति, ठीक है, इसका जो होगा वो आपका सीधा का सीधा रहेगा तीसरा, चार्टर अधिनियम 1813 के माध्यम से इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। और जो आपका गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा ये शक्ति इसको प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर रहा वो आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहा। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार। वाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? ठीक है, वाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? पहला आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम, दूसरा ऑप्शन 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, तीसरा आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम और चौथा ऑप्शन आपका 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर रहा वो रहा आपका 1947 के, क्या है, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को बालकन प्लान अधिनियम से संबंध, जो बालकन प्लान अधिनियम है आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरा ऑप्शन आपका रेड क्लिप, तीसरा ऑप्शन लॉरेंस और चौथा ऑप्शन आपका माउंटबेटन। तो साथियों जो इसका करेक्ट आंसर है रेड क्लिप, रेड क्लिप महोदय जी ने सीमा आयोग की अध्यक्षता की, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड क्लिप ने सीमा आयोग की अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बजट अभी पेश होने वाला है, आप लोगों को पता होगा। तो ये भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? तो पहला ऑप्शन आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, दूसरा ऑप्शन रहा आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से और अंतिम ऑप्शन है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर जो बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्राप्त भारतीयों को मिली है वो आपकी मिली है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपका यूपीपीसीएस के
2003 में पूछा गया है। तो साथियों इस तरह से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बीईओ के एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे मैंने कम से कम 1000 प्रश्नों का एक संग्रह तैयार किया है और वो पूरा का पूरा संग्रह आप लोगों के सामने एक एक करके प्रस्तुत होता चला जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग टीचर कैप्सूल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग बेल आइकन को जरूर पुश कर दीजिए, ठीक है। तो सारी के सारी इन्फॉर्मेशन बीयू की जितनी भी होगी वो सारी के सारी इन्फॉर्मेशन आपकी एग्जाम से पहले ही 10 दिन पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी और आप लोग टीचर कैप्सूल चैनल से जुड़े रहेंगे और एक एक करके सारे के सारे वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल, एक बार फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप लोग इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। पहला है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा आपका सी राजगोपालचारी, इनका पूरा नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तीसरा ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो साथियों जो स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे आपके सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल यही माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लेखित योजना पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। ये अधिनियम दिए गए, इनमें से कौन सा अधिनियम है जिसके माध्यम से भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है, है ना। पहला आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, दूसरा आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, तीसरा आपका भारत शासन अधिनियम 1935 और चौथा ऑप्शन रहा आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो साथियों जो करेक्ट आंसर है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1935 का भारत शासन अधिनियम। साथियों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ भारत शासन अधिनियम 1935 संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देता है। संविधान में बहुत सारी चीजें इसकी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गई हैं, ठीक है साथियों। तो इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है संविधान के निर्माण में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। साथियों मैं कितनी बार आपको बोलूं कि यार दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, एक से ज्यादा बार पेपर में पूछे गए हैं। ये देखिए ये भी आपका यूपीपीएससी के प्री के एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीयू की पर्पज से हो जाता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक अधिनियम के माध्यम से हुई। पहला आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तीसरा आपका भारत शासन अधिनियम 1919 और लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर रहा, तो साथियों भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपका इसलिए करेक्ट हुआ क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता जा रहा हूं कि जो आपका 1935 का अधिनियम है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1935 अधिनियम के माध्यम से भारत में बहुत सारी चीजें ली गई हैं। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लिया गया है, ठीक है दोस्तों। जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का, इससे आपका भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 1935 और पर यहां पर ऑप्शन में कोई है नहीं, तो करेक्ट आंसर पर यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी, ठीक है। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको प्राप्त हैं, संघीय विधान पालिका को, दूसरा ऑप्शन आपका प्रांतीय विधान पालिका को, तीसरा गवर्नर जनरल को और चौथा आपका प्रांतीय गवर्नरों को। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को 1935 अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा अधिनियम था जिसके माध्यम से भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में पार्टिसिपेट करने का एक
हिस्सा बनाया ना, देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो पहला आपका चार्टर एक्ट 1833, दूसरा आपका चार्टर एक्ट 1853, तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और लास्ट ऑप्शन आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो साथियों, जो चार्टर एक्ट 1853 था, इसके माध्यम से भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है ना। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका 1853 का चार्टर एक्ट। ये भी देखिए आपका यूपीपीसीएस के एग्जाम में 2012 में पूछा गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम के लिए। तो प्लीज आप लोग ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत मन से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन में जितने भी संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं उन सारे के सारे प्रश्नों का जवाब मैं देने का एक प्रयास करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। जो कंपनी का जो व्यापार था चीन तथा पूर्वी देशों के साथ, उसको एकाधिकार के साथ 20 वर्षों के लिए इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, किस अधिनियम के माध्यम से। पहला आपका 1813 का चार्टर अधिनियम, दूसरा है आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम, तीसरा है आपका 1833 का चार्टर अधिनियम, और चौथा ऑप्शन रहा आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो 1813 का चार्टर अधिनियम था, इसके माध्यम से कंपनी को चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए 1813, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, है ना। बर्मा को भारत से अलग जो हुआ था वो किस अधिनियम के तहत हुआ था। पहला आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, दूसरा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तीसरा ऑप्शन रहा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और लास्ट ऑप्शन है आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। साथियों, मैं आपको बार बार बोलता चला जा रहा हूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अधिनियम है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय संविधान का बहुत ज्यादा हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो साथियों, ये वाला क्वेश्चन भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1935 अधिनियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। जो 1946 में, यानी कि अगस्त 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उसमें राष्ट्रीय सरकार का सदस्य कौन नहीं था। पहला आपका सी राजगोपालचारी, दूसरा ऑप्शन रहा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और चौथा ऑप्शन आपका जगजीवन राम। तो साथियों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन यहाँ पर अगस्त 1946 में जो आपकी अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसके सदस्य नहीं थे। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों, यहाँ पर इनका पूरा नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका पूरा नाम था, और इनके विषय में आपको दो इंपॉर्टेंट तथ्य और बताता हूं। ये आपके भारत के और ये आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया सी राजगोपालाचारी, ये आपके भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर बी ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद, सभी लोगों को पता होगा ये आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, ठीक है। जो ब्रिटिश काल था वहां पर बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किस साल में किया गया, किस ईयर में किया गया। पहला ऑप्शन आपका 1860, दूसरा आपका 1857, तीसरा 1846, और अंतिम ऑप्शन रहा आपका 1866। तो मैं दोस्तों, यहां पर 1860 में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था स्टार्टिंग की गई थी, है ना। 1860 में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था स्टार्टिंग की गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से 1935 का एक्ट आपका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
पहला आपका यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था, दूसरा ऑप्शन है आपका इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, तीसरा ऑप्शन इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, अंतिम ऑप्शन आपका इसके द्वारा रियासतें समाप्त कर दी गई। तो साथियों यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ये मैं आपको बार बार बताता चला रहा हूँ स्टार्टिंग से ही कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इससे बहुत सारी चीजें आपकी भारतीय संविधान को मिली है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। यह आपका दोस्तों यूपी लोअर सबोर्डिनेट के प्री के एग्जाम 2015 में पूछा गया है। मैं आपको बार बार बोलता चला जा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ, तो आप लोग एक एक करके सारे के सारे वीडियो को देखना, ये आपके बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी के पर्पस से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषता है? ठीक है, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसकी प्रमुख विशेषता कौन सी है? पहला है आपका प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की स्थापना, समझ रहे हैं, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की स्थापना। दूसरा आपका मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, और तीसरा ऑप्शन आपका केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण। तो यहाँ पर सही कथन को चुनना है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका केवल 1 और 3, यानी कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की स्थापना 1919 अधिनियम के माध्यम से की गई थी, और इसके अलावा केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण भी इसी अधिनियम के माध्यम से किया गया था। तो करेक्ट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। तो साथियों इसमें जो सेकंड ऑप्शन आपका जो बच रहा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ये आपका किसके द्वारा से किया गया था? तो ये व्यवस्था इसमें आपकी 1909 में की गई। ठीक है दोस्तों, और जबकि यहां पर जो 1919 था इसके माध्यम से मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल में इसमें और विस्तारित किया गया, इसके बाद इसमें सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों को भी इसमें ऐड कर दिया गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण व स्थायी अवयव नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक करके चार ऑप्शन देखते हैं। देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाहदेव प्रतिनिधि, और एक संघ की योजना पर विचार, इसके लास्ट में है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। दोस्तों साथियों ये यूपीपीएस मेंस में 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका देश के लिए लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, यानी कि कौन से अधिनियम में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया? चार ऑप्शन है, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो रहेगा आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन में प्रमुख 3 सदस्य कौन कौन थे? जो 1946 का कैबिनेट मिशन भारत में आया था उसके 3 प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? सर जॉन, लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस या फिर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों के तीनों हो गए। दूसरा ऑप्शन है आपका अलेक्जेंडर, लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, लॉर्ड मैकाले, और इसके बाद जो ऑप्शन रहा आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड मैकाले और अलेक्जेंडर, और जो आपका अंतिम आपका है वो है आपका लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। हाँ दोस्तों, लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर ये आपके 1946 का जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था उसके ये 3 सदस्य माने जाते हैं। तो एकदम सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं ये आपके 1946 के कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष माने जाते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे यहाँ पर लिख देते हम,
इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके क्रिप्स थे, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लोग पूरा यहाँ से ले सकते हैं पूरा नाम स्टेपवुड क्रिप्स, ये आपके अध्यक्ष थे। और जो भारत सचिव थे, भारत सचिव वो थे आपके कौन, भारत सचिव थे आपके पैंथिक लॉरेंस, कौन, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, है ना। यहाँ पर लॉरेंस मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ इनका नाम, पूरा आप ले लेना ऑप्शन से। और इसके बाद जो एक आपके बच गए हैं वो आपके ए बी अलेक्जेंडर, है ना, वो थे आपके नौसेना मंत्री, नौसेना मंत्री, नौसेना मंत्री कौन थे आपके, ए बी अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, ये पेपर की दृष्टि से तीनों के तीनों पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स में इसको साइड से लिख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर पेपर में एक से ज्यादा बार पूछे गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतरिम सरकार 1946 में मुस्लिम लीग के सदस्य भी सम्मिलित थे, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सदस्य मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था। तो इस प्रश्न के आपके चार ऑप्शन रहे, जोगेंद्रनाथ मंडल, लियाकत अली खान और गजाफर अली खान और रफी अहमद किदवई। तो दोस्तों रफी अहमद किदवई साहब थे ये आपके मुस्लिम लीग से संबंधित बिल्कुल भी नहीं थे। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रफी अहमद किदवई। इसमें जो जोगेंद्रनाथ मंडल थे ये आपके विधि, इस लीग में इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था, वो आपका विधि डिपार्टमेंट था, है ना। तो दोस्तों जो अंतरिम सरकार थी उसमें जो विधि मंत्रालय था वो आपका जोगेंद्रनाथ मंडल के पास था। और इसके बाद जो आपका लियाकत अली खां थे इनके पास आपका वित्त मंत्रालय था। इनके पास कौन सा मंत्रालय था, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, आपका वित्त मंत्रालय जो अंतरिम सरकार थी उसमें जो वित्त मंत्रालय आपका जिनके पास था वो थे आपके लियाकत अली खां। और जो गजाफर अली खान थे इनके पास जो मंत्रालय था वो था आपका स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास था, ठीक है। इस तरह से ये तीनों के तीनों लोगों के मंत्रालय आप लोगों को पता चले। और ये आपका इस वीडियो का एक आपका अंतिम क्वेश्चन रहा आपका, जो कि पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज साथियों, अभी तक जो जो व्यक्ति इस चैनल पर नया उसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट साइड में बेल आइकन बनी होगी, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। बेल आइकन को दबाने से आप लोगों को एक फायदा होगा कि जैसे ही मैं खंड शिक्षा अधिकारी या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन डालता हूं तो वो तुरंत ही आप लोगों के पास पहुंच जाएगी, जिससे आप लोग उसका समुचित फायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट एक बार फिर से कि वीडियो को लाइक करिएगा, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, 30 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30वां। निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया, ठीक है। पहला आपका राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जॉन मथाई और सरदार पटेल। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास आपका शिक्षा विभाग था, ठीक है। अब इसके बाद राजेंद्र प्रसाद महोदय थे, इनके पास जो विभाग था वो थे आपका खाद्य तथा कृषि मंत्री, या आपके खाद्य तथा कृषि मंत्री थे आपके। और जो जॉन मथाई थे, जॉन मथाई के पास आपका रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, ये आपके रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, रेलवे एवं परिवहन मंत्री। और यहां पर जो लास्ट ऑप्शन बच जाता है आपका सरदार पटेल, सरदार पटेल के साथ आपका कौन सा मंत्रालय था, ये आपका गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री थे आपके, गृह एवं सूचना प्रसारण, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपके एक क्वेश्चन से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। तो मैंने पूरी की पूरी कोशिश की है कि एक क्वेश्चन से जितने भी संभावित क्वेश्चन होते हैं उनके सारे के सारे जवाब देने का मैंने प्रयत्न किया है। आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी इस चैनल पर नया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपका सब्सक्राइब का बटन दिया है, राइट हैंड में ये बेल आइकन बनी होगी, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जैसे ही आप लोग बेल आइकन को दबाते हैं उस तरह से ये टोपी बन जाएगी, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों। आप सभी लोगों ने टीचर कैप्सूल चैनल पर इतना सारा प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।